नमस्कार, आज का एजेंडा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। यूपी में 3 दिन बाद पहले चरण के लिए नोटिफिकेशन होना है और 11 फरवरी को पहले चरण का मतदान है, लेकिन अभी तक एसपी, बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। टिकट को लेकर उम्मीदवार आस लगाए बैठे हैं, लेकिन सवाल ये है कि लिस्ट जारी क्यों नहीं हो रही है। दरअसल एसपी की लिस्ट साइकिल की लड़ाई में फंस गई है और चुनाव आयोग को यह फैसला करना है कि साइकिल मुलायम की है या फिर अखिलेश की, या दोनों में से किसी की नहीं, और इसके बाद ही लिस्ट बन पाएगी। कांग्रेस एसपी दंगल के नतीजों का इंतजार कर रही है। अखिलेश कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन अखिलेश की पार्टी कौन सी होगी? अखिलेश के रिजल्ट के इंतजार में कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी नहीं कर पा रही है। वहीं बीजेपी की भी नजर एसपी दंगल पर है और बीजेपी की नजर उन मजबूत बागियों पर है जो मुलायम अखिलेश के घमासान के चलते टिकट न मिलने की सूरत में कमल थाम सकते हैं। मायावती 5 साल बाद दोबारा सत्ता में वापसी का दम भर रही हैं और अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए ये सिर्फ बीएसपी ने ही यूपी में 400 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। मायावती 4 लिस्ट जारी कर चुकी हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता शत्रुद्र प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता अनिला सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। जंगे अवध में कौन बाजी मारेगा, किसके दावों पर जनता भरोसा करेगी, किसके वादों पर एतबार करेगी। लड़ाई लखनऊ की है, मुकाबला कड़ा है। यूपी में चुनावी बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। यूपी में पहले चरण का मतदान 11 फरवरी को होना है। 17 जनवरी को पहले चरण का नोटिफिकेशन जारी होगा। पहले चरण के नोटिफिकेशन के लिए 3 दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक एसपी, बीजेपी, कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। सिर्फ बीएसपी ने ही उम्मीदवारों की सूची जारी की है। मायावती 4 लिस्ट जारी कर 400 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि चुनावी रण में जीत का दावा ठोक रही एसपी, बीजेपी और कांग्रेस ने क्यों अभी तक लिस्ट जारी नहीं की है। सबसे पहले बात समाजवादी पार्टी की। एसपी में साइकिल को लेकर घमासान मचा है। मुलायम और अखिलेश आमने सामने हैं। साइकिल किसकी होगी, इसको लेकर चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार है। दिलचस्प बात यह है कि उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर ही समाजवादी पार्टी में 2 फाड़ हुए हैं। पिछले महीने मुलायम और शिवपाल की लिस्ट जारी करने के बाद अखिलेश ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। तभी से समाजवादी दंगल में दोनों तरफ से दांव चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी किसकी होगी, साइकिल मुलायम की होगी या अखिलेश की होगी, या फिर दोनों की ही नहीं होगी। इसके चलते एसपी की लिस्ट में देरी हुई है। कांग्रेस ने कई महीने पहले शीला दीक्षित को यूपी में अपना सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया था, लेकिन एसपी के दंगल के चक्कर में कांग्रेस की भी लिस्ट में देरी हुई है। दरअसल जहां मुलायम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं चाहते, वहीं अखिलेश सियासी समीकरणों को तलाशने में जुटे हैं। अखिलेश कांग्रेस के साथ यूपी चुनाव में गठबंधन करना चाहते हैं। अखिलेश और राहुल की जल्द मुलाकात होने की भी खबरें हैं, लेकिन मसला यह है कि अभी तक यही तय नहीं हो पाया है कि साइकिल अखिलेश की होगी या नहीं। लिहाजा साइकिल पर चुनाव आयोग के फैसले के बाद ही कांग्रेस अपनी रणनीति का खुलासा करेगी। अगर दोनों का गठबंधन होता है तो एसपी के साथ बातचीत के बाद कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूपी में बदलाव का दम भर रही बीजेपी ने अभी तक क्यों अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की। दरअसल बीजेपी की नजर एसपी के घमासान पर है। बीजेपी की नजर उन मजबूत उम्मीदवारों पर है जो मुलायम अखिलेश के घमासान के चलते टिकट न मिलने पर कमल खिलाने के लिए साथ आ सकते हैं। साथ ही कांग्रेस एसपी का गठबंधन होने की सूरत में कांग्रेस के बागियों पर भी बीजेपी की नजर है। ऐसे में टिकट पाने में नाकाम रहने वाले ऐसे उम्मीदवारों को बीजेपी मैदान में उतार सकती है। बीजेपी की लिस्ट में देरी की सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही है। बीजेपी यूपी में जातीय समीकरणों को साधने के लिए हर दांव को देख समझकर चल रही है। बहरहाल जंगे अवध में कौन किस पार्टी से लड़ेगा, किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन जीतेगा, उसका फैसला जनता अपने वोट की ताकत से करेगी। 11 मार्च को नतीजे आएंगे, लिहाजा थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।
तो सवाल यही है कि चुनावी रणभेरी बच चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक बैठकों का दौर ही चल रहा है, मंथन लगातार हो रहा है, लेकिन कैंडिडेट्स अभी तक अनाउंस नहीं किए गए हैं। तो ऐसे में क्यों इतनी देरी हो रही है लिस्ट जारी करने में? और हम चर्चा को चलिए आगे बढ़ाते हैं। अनिला सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। अनिला सिंह जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आप लोग तो सेप्टेम्बर अक्टूबर में अनाउंस करने वाले थे कैंडिडेट्स का, कि उन्हें पूरी तैयारी का मौका मिल सके, लेकिन अभी तक बैठकें ही चल रही हैं। आज दिल्ली में भी बैठक हो रही है, ये वेट एंड वॉच की स्थिति क्यों है? नहीं, सेप्टेम्बर अक्टूबर की आप बात कर रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ये ऐलान नहीं किया था कि सितंबर अक्टूबर में हम अपनी लिस्ट निकालेंगे। देखिए, एक फर्क है बाकी राजनीतिक दलों में और भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी आइडियोलॉजी पर, अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। बाकी राजनीतिक दल अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हुए बहुत सारे समीकरण बैठाते हैं, जाति का समीकरण बैठाना चाहते हैं, धर्म का समीकरण बैठाना चाहते हैं। ये एक बहुत बुनियादी सा फर्क है हमारी पार्टी में और बाकी पार्टी में। देखिए, पार्टी जो है हमारी, हमारा संगठन जो है बेहद मजबूत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं अमित शाह जी, वो मास्टरमाइंड कहलाए जाते हैं संगठन को मजबूत करने में। तो जिसका संगठन इतना मजबूत हो, उसके कैंडिडेट्स आज डिक्लेयर हों, दो दिन के बाद हों या दो महीने पहले हों, हमें उस चीज़ का मुंह नहीं देखना होता है। हमारी तैयारी पूरी है और जिस दिन लिस्ट डिक्लेयर होगी, चाहे वो आज शाम को हो, चाहे वो कल हो या वो परसों हो, हम चुनाव लड़ेंगे और अच्छी तरीके से लड़ेंगे। बाकी पार्टियों का देखें ना, अभी BSP भी पूरी तरीके से सारे कैंडिडेट्स तो नहीं डिक्लेयर किए, समाजवादी पार्टी का हश्र देख लीजिए। कांग्रेस तो बेचारी स्टेप नहीं बनना चाह रही, उसे समझ में नहीं जा रहा कि इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ। तो आप देख लें कि बाकी राजनीतिक दलों में और भारतीय जनता पार्टी में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, और ये जो अंतर है ये प्रदेश की जनता समझ चुकी है, इसलिए परिवर्तन लाएगी और अच्छे के लिए लाएगी। और जिस प्रकार से परिवर्तन रैली हमने पूरे प्रदेश में की है, वो अच्छे के लिए की है, और इस बार कमल जरूर खिलेगा उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, तो उम्मीद जरूर की जा रही है, लेकिन देखना ये होगा कि कब ये लिस्ट जारी होती है। और इस वक्त हमारे साथ SP नेता शत्रुरुद्र प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं। शत्रुरुद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपकी पार्टी में तो बहुत कंफ्यूजन है सिंबल को लेकर, नेता को लेकर, कैंडिडेट्स को लेकर। कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता भी कंफ्यूज है कि वो किसे वोट करे या आपको भी वोट क्यों करे? आपने तो सब बता ही दिया है। आपने जो अभी राजनीतिक समीक्षा बताई है अपने जरिए, टीवी चैनल के जरिए, उसमें सब बता दिया है। और साइकिल की वजह से कमल को भी परेशानी है, साइकिल की वजह से पंजाब भी परेशान है, साइकिल की वजह से चापाकल को भी परेशानी है। वैसे तो हर पार्टी मुख्तलिफ फैसले ले सकती है, आज़ाद है वो। अभी तो आज मकर संक्रांति है, शनि भी धनु राशि में आ गए हैं, सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं। भाजपा के साथ दिक्कत ये है, भाजपा और कांग्रेस, हमारी पार्टी को तो आप देख ही रहे हैं, जो विवाद चल रहा है वो सबके सामने है, और चुनाव आयोग जो फैसला करेगा वो सामने आएगा। लेकिन और पार्टियां, खास करके कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये बहुत इसमें परेशान हैं। पिछले 2012 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 11.65% वोट मिला था और 28 सीट आई थी उसकी। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को करीब करीब 15% वोट मिला था और उसकी 47 सीट आई थी, और ये सीट उनकी 2007 के मुकाबले घटी थी, कांग्रेस की बढ़ी थी। अभी इस समय भाजपा के सामने दो तीन बातें हैं, तो आप विश्वास ज़रूर है, लेकिन आशंकाएं बहुत हैं। आशंकाएं हैं कि इस समय भाजपा के अलावा कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस सपा गठबंधन होता है कि नहीं होता है, तो किस तरह का होता है। वही राष्ट्रीय लोकदल का है, राष्ट्रीय लोकदल के सामने भी यह समस्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नोटबंदी से थोड़ा माहौल बिगड़ा है। पहले तो लग रहा था कि नोटबंदी से फ़ायदा होगा भाजपा को, लेकिन अब जगह जगह बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। भाजपा का जो वोटर है मिडिल क्लास का, खासकर व्यापारी तबका, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी तो नहीं, गांव में तो कोई बहुत अनाधार है नहीं, शहरों में था, लोग परेशान हैं और आज तक परेशान हैं। नोटबंदी की समस्या, उसकी जटिलता भी ख़त्म नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी चुनाव के तो उम्मीदवारों को घोषित करना ही पड़ेगा। अब जब घोषित कर दें, उसके अलावा कांग्रेस पार्टी के सामने भी दुविधा यही है कि 393 पिछली बार लड़े थे, 393 2007 में भी लड़े थे, और 28 सीट आई थी पिछली बार, 22 सीट आई थी 2007 में। अब यह है कि वो गठबंधन करना चाहते हैं बिहार की तरह जी। बिहार का जो अनुभव है उसके इलाज से लग रहा है कि शायद
उत्तर प्रदेश में भी वो सफल हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की तो आपसी कलह में ही समाजवादी पार्टी उलझी है और बातों को मत घुमाइए शत्रुघ्न जी, क्योंकि हम भी सब समझ रहे हैं कि पहले एक लिस्ट जारी होती है, फिर दूसरी लिस्ट जारी होती है, सिंबल को लेकर ही अटके रहते हैं। अनिला सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या आप भी समाजवादी पार्टी की लिस्ट का वेट कर रही हैं? नहीं, देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्य करने का जो ढंग है वो बाकी की राजनीतिक दलों से बिल्कुल अलग है। हम जो है, हमारे लिए देश सर्वप्रथम होता है और उसके बाद आपकी पार्टी और उसके बाद स्वयं आते हैं, और ये जो बाकी राजनीतिक दल हैं इनके लिए सबसे पहले स्वयं होता है और देश इनके लिए सबसे आखिर में होता है। जब इतना ज़्यादा फर्क है दोनों की आइडियोलॉजी में और सोच में, तो हम तो किसी का इंतज़ार कर नहीं सकते हैं। पर आप देख रहे होंगे कि इवन कल तक भी ये रहा है कि बाकी राजनीतिक दल छोड़ छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे नेता जुड़ रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है जो समाजवादी पार्टी से बगावत करेंगे नेता वो बीजेपी के साथ आ रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, इतनी नासमझ पार्टी नहीं है। आप देख रहे हैं केंद्र में भी हम शासित हैं, 15 प्रदेशों में भी या तो अकेले या सहयोगी दलों के साथ हमने सरकार बनाई हुई है। तो नासमझ पार्टी नहीं है, ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट दिया जाएगा जो अपनी सीट निकालने में सक्षम हो, और उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है हम उसको बहुत ज़्यादा संजीदगी से ले रहे हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है वो संजीदगी इस चीज़ की कर रही है कि साइकिल किसको मिले। पिता ये सोच रहा है पुत्र को कैसे पटकी मारूं, और पुत्र ये देख रहा है कि कैसे और कौन कौन से दाव पे चलूं कि पिताजी जो हैं बिल्कुल धाराशाही हो जाएं। मायावती जी देखिए जिस प्रकार के वो भाषण दे रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं, वो छुपा नहीं है, वो एक धर्म और एक जाति को लेकर ही चुनाव में आना चाहते हैं, जैसे बाकी धर्म और बाकी जाति जो है उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। और कांग्रेस तो बुरा हाल हो रखा है, राहुल गांधी जी जब जब मुंह खोलते हैं कुछ ना कुछ हंसी का पिटारा दे जाते हैं। मुझे भी लगता है चुनावी माहौल इतना गर्म है, ऐसे कुछ चुटकुले वो छोड़ जाते हैं तो हम लोगों को भी हंसने का अनिला सिंह जी इस बार सीधी टक्कर बीजेपी की किससे हो रही है यूपी में? देखिए, अगर सीधी टक्कर की अगर बात किया जाए, जहाँ तक चुनाव का विषय है, तो हम किसी भी राजनीतिक दल को ऐसा नहीं है कि कम आंकते हैं, हमारे लिए तो हर राजनीतिक दल चुनौती है। परंतु अगर देखा जाए और ये अगर विभाजन नहीं होता है समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी आज की तारीख में सबसे बड़ी चुनौती बनकर हमारे सामने उभर सकती है। पर देखना यह है कि पिता पुत्र में जिस प्रकार से लड़ाई चल रही है वो शांत हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। क्योंकि अखिलेश यादव, देखिए, अगर ये अलग हो जाते हैं तो अखिलेश यादव स्वयं में कुछ नहीं है, बेहद पलटू और एक असफल मुख्यमंत्री वो साबित हुए हैं, और हमेशा अपने आप को इस चीज के पीछे, एक जैसे कहते हैं पर्दे के पीछे छुपा के रखा कि 3.5 की 4.5 मुख्यमंत्री। और ये देखिए, मुख्यमंत्री एक ऐसा पद होता है उसके हाथ में बहुत ताकत होती है, जिसको वो ठीक करना चाहे ठीक कर सकता है, जिसको वो बाहर निकालना चाहे बाहर निकाल सकता है। परंतु शायद उनकी जो प्रायोरिटीज थी, समाजवादी पार्टी की अपनी कला है, और इसी के चलते वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि अब चुनाव आयोग को फैसला करना है, वो जो फैसला देता है उसके बाद ही होगा। लेकिन अब ये सवाल है कि बीजेपी इतनी देर क्यों कर रही है, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी जारी होना है, 17 तारीख से नोटिफिकेशन शुरू हो जाएगा, 11 तारीख को पहला चरण है यूपी में। देखिए, ऐसा है कि चुनाव की तैयारियों का वक्त ही कहां रहा पार्टी के पास? तैयारी हमारी अभी नहीं, बहुत पहले से चल रही है और ग्राउंड लेवल से लेकर ऊपर तक चल रही है। ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट को जब टिकट मिलता है तो कैंडिडेट जाके तैयारी करता है, हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता। हमारी पार्टी जो है कैडर बेस्ड पार्टी है, और नीचे से ऊपर तक जितने लोग होते हैं, जितने कार्यकर्ता होते हैं, जितने पदाधिकारी होते हैं, सब पूरी तैयारी करते हैं। हमारी पार्टी जो है चुनावी तैयारी में पूरी तरीके से जुटी हुई है, ये आप भी जानते हैं। हाँ, सिंबल मिलने की बात है, जिसको सिंबल मिलेगा वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जाकर चुनाव में जरूर लड़ेगा, पर तैयारी हमारी पूरी है।